मरकजी सरकार ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का कानून बनाया, उसको ख़त्म किया गया। ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, गन कल्चर को ख़त्म करने के लिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं ब्लैक मेलर, उनके खिलाफ है ये चीज़। अशोक साहब, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि 370 उनकी शिनाख्त है, उनकी पहचान है, कश्मीर को उसकी पहचान से, उस शरीर को उसकी रूह से अलग नहीं किया जा सकता है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो इन लोगों ने जो ये शिनाख्त अभी तक कश्मीर को है ही नहीं। हम भी बोलते, कोई बोलता है, कोई आर्मी वाला मुझे बोलता है आप कौन है, मैं बोलता हूँ कश्मीरी, अगर वो बोलता है मैं इंडियन हूँ। अभी हमारी शिनाख्त जो है, हमारी शिनाख्त इंडियन है। अभी तक जो लोग ये बोलते हैं हमारी शिनाख्त है, इन्होंने हमारी शिनाख्त को ख़राब किया है। हम इंडियन हैं, जब पासपोर्ट निकालना है तो उस पर इंडियन लिखना है, क्यों नहीं लिखते हैं कश्मीरी? ये खुदगर्ज लोग हैं, ब्लैक मेलर हैं, उन्होंने कश्मीरी आवाम को दबाया है, आइडेंटिटी कभी दिया नहीं। आज मोदी साहब ने आइडेंटिटी दिया है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, खुद ब खुद सल्यूट मारेंगे यहाँ के गरीब जनता कश्मीरी, मोदी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी क्या है, जिनको कुछ खोया वो पाने के लिए बहुत ही छलांगे लगाते हैं। कल कुर्सी आज नहीं है, कल हवाई जहाज आज नहीं है, टूं टांग पीछे आगे 100-100 गाड़ियां आज नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा इसके लिए प्रॉब्लम। लेकिन कश्मीरी गरीब आवाम क्या कहता है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें आइडेंटिटी चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, वेकार चाहिए, उन्हें वही चाहिए। और आपको लगता है ये अब होने वाला है? होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है।